नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नई रिक्रूटमेंट देखते हैं। ये एक PSU है, असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ असम अंडरटेकिंग। इसमें जो पोस्ट निकली है उसके बारे में अभी डिटेल में जानकारी लेते हैं। नेम ऑफ पोस्ट, फर्स्ट पोस्ट है डिप्टी जनरल मैनेजर प्रोडक्शन ग्रेड E6। इसमें ग्रेड पे है 16,300 का और जो पे बैंड है वो है 30,000 to 110,000। और इसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है BE/BTEC इन केमिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। और इसेंशियल एक्सपीरियंस जो मांगा गया है, मिनिमम 18 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन प्लांट ऑपरेशन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ऑफ विच 2 ईयर्स शुड बी इन नेक्स्ट लोअर लेवल मैनेजरियल रोल इन लार्ज और मीडियम स्केल PSU प्राइवेट इंडस्ट्री, प्रेफरेबली इन पेट्रोकेमिकल, केमिकल ऑयल रिफाइनरी। मतलब 18 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 2 साल जो आपने काम किया होगा वो थोड़ा नेक्स्ट लोअर लेवल मैनेजर रोल में आपने काम किया हो, किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में भी चलेगा या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या केमिकल प्लांट हो या ऑयल सेक्टर रिफाइनरी हो, पेट्रोकेमिकल हो। और इसमें जो एज लिमिट दी गई है वो मैक्सिमम एज लिमिट है 52 ईयर्स, 52 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और नंबर ऑफ पोस्ट ओनली 2। अब हम देखते हैं जो सेकंड पोस्ट निकली है, ये जो सेकंड पोस्ट है वो सीनियर मैनेजर प्रोडक्शन ग्रेड E5। इसमें जो ग्रेड पे है 15,700 है और इसका पेमेंट स्टार्ट होता है 30,000 to 110,000। सेम पेमेंट है लेकिन ग्रेड पे इसमें चेंज है, ग्रेड पे थोड़ा कम है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो BE/BTEC होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और इसके लिए जो आपका एक्सपीरियंस मांग गया है, मिनिमम 15 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लांट ऑपरेशन में या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में, जिसमें से 2 साल जो आपका नेक्स्ट लोअर लेवल मैनेजरियल रोल होना चाहिए लार्ज में या फिर मीडियम स्केल, जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, प्राइवेट इंडस्ट्री हो या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हो, केमिकल ऑयल रिफाइनरी। इसमें प्रेफरेंस उसको दी जाएगी जिसने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया, प्रोजेक्ट एजुकेशन किया है, कमिशनिंग किया है या ऑपरेशन किया है, वो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे CPP प्लांट हो गया, DC सिस्टम हो गया, पेट्रोकेमिकल सेक्टर में उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। और इसके लिए जो मांगा गया है एज लिमिट है वो 50 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 50 ईयर से। और ये इसकी जो पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसी ओनली 2 है इसमें भी। अब अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में देखते हैं। जो भी आपकी डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, वो UGC अप्रूव्ड होनी चाहिए या फिर AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट जहाँ भी अवेलेबल होता है। और जो CGPA है और जो डिग्री अवॉर्डेड है वो इक्विवेलेंट परसेंटेज जो भी इंडिकेट किया होना चाहिए वो जो यूनिवर्सिटी के नॉर्म से अकॉर्डिंग होना चाहिए। और जिसकी कट ऑफ डेट है एज लिमिट की या पोस्ट क्वालिफिकेशन की, वो 1 जनवरी 2020 से काउंट की जाएगी। और इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, SC ST को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है और 3 ईयर्स दिया गया है OBC को। और 2 ईयर्स का और भी रिलैक्सेशन दिया गया है जो कि एक्सेप्शनल डिजर्विंग कैंडिडेट्स के लिए है। इंटरव्यू के टाइम पे वो लोग देखेंगे कौन सा डिजर्विंग कैंडिडेट है डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस। और इसमें एक और बात है, अगर आपका एक्सपीरियंस थोड़ा कम भी है तो भी आपका एक्सपीरियंस चल जाएगा अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं तो। रिलैक्सेशन भी दिया गया है एक्सपीरियंस में। अब इसे देखते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है डाउनलोड करने पड़ेंगे और ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना पड़ेगा 20 डेज के अंदर जिस दिन से ये निकला हुआ है वैकेंसी, और ये इस एड्रेस पे आपको भेजना है। एप्लीकेशन शुड बी एड्रेस टू जनरल मैनेजर HR असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, पोस्ट ऑफिस प्रभातपुर, नामरूप डिस्ट्रिक्ट, डिब्रूगढ़। ये आपको पिन कोड दिया हुआ है असम का। अगर कैंडिडेट किसी गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में या PSU में काम करता है तो उसको प्रॉपर चैनल से अप्लाई करना है और NOC प्रोड्यूस करना है। और जॉइनिंग के टाइम पे उसको NOC तो प्रोड्यूस करना पड़ेगा प्रेजेंट एम्प्लॉयर से, इंटरव्यू के टाइम पे भी प्रोड्यूस करना है। आपने जो मेलिंग एड्रेस दिया है, अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं वहाँ पे, कैंडिडेट को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, तो आपको आने जाने का AC ट्रेन बस फेयर मिलेगा। अगर आपको पोस्टर डिले होता है तो कंपनी इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब इम्पोर्टेंट डेट्स जो है, अवेलेबल डेट्स फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, वो 29 से स्टार्ट होता है, 29 जनवरी to 17 फरवरी। और लास्ट डेट जो रिसिप्ट का है वो 17 फरवरी तक वहाँ पे आपका पहुँच जाना चाहिए। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बाय पोस्ट कुरियर और APL और @APL नामरूप। ये दिया गया एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ पे आपको फोटो पेस्ट करनी है, पर्सनल डिटेल्स लिखना है, जो आपका नेम, एप्लीकेशन फादर्स, प्रेजेंट एड्रेस, ईमेल एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करना है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, आपको कितने साल एक्सपीरियंस है, करंट पोजीशन क्या है, ये सब मेंशन करना है आपको। और डिक्लेरेशन किया करना है कि आपने जो भी डिटेल दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग, इसमें कुछ भी आपने गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया है। ये फॉर्म फिल करके आपको एड्रेस पे सेंड कर देना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।